माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। एक ओर जहां तेजी से विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को सहेजने की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन वर्तमान में बड़ी चुनौती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का शहरों को स्मार्ट एवं इको फ्रेंडली बनाने का संकल्प उत्तर प्रदेश में पूरा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए आज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मॉडल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में शहरी यातायात को सरल एवं सुगम बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु अभिनव पहल की जा रही है, तथा साथ ही साथ मेट्रो रेल एवं रैपिड रेल सेवाओं को भी बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में उत्तर प्रदेश में यातायात के नए युग की शुरुआत हो रही है। प्रदेश में भारत सरकार के भारी उद्यम विभाग के फेम वन स्कीम के अंतर्गत पूर्व से 40 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं, तथा फेम टू योजना में 700 इलेक्ट्रिक बसों में से 75 बसों के प्रदेश के 7 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर व गाजियाबाद में संचालन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक बसें प्रदेशवासियों को सुखद एवं अविस्मरणीय यात्रा कराएंगी। बेहतरीन पिकअप वाली सेमी लो फ्लोर बसें एक बार चार्जिंग पर 150 किलोमीटर तक चलती हैं, जिनके लिए चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट शेल्टर्स व स्मार्ट क्लीनिंग की व्यवस्था की गई है। सरल एवं पारदर्शी यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड तथा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाया गया है। स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कर उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों के लिए विशेष उदाहरण पेश कर रहा है।